दोस्तों क्या आपके भी इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे ही आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो और आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप किसी की भी स्टोरी आपको नहीं दिखता यहाँ पे। जैसे ही आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो आप लोग यहाँ पे स्टोरी चेकआउट करने के लिए इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो भाई आपको यहाँ पे कोई भी स्टोरी नहीं दिखती, यानी कि आपकी जो खुद की स्टोरी रहती है आपको वो भी नहीं दिखती है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, यही प्रॉब्लम आपको अगर है तो वीडियो को देखना होगा आपको कंप्लीट। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई जरूर से कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए वीडियो को देखना होगा कंप्लीट। तो गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन के स्क्रीन जो आपके फ़ोन में सेटिंग्स होते हैं आपको वही ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करते हो गाइज आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स आ जाएंगे, यानी कि काफ़ी सारा यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते आ जाना है यहाँ पे नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। तो गाइज आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको आ जाना है यहाँ पे, थोड़ा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे अपलोडेड होगा, यानी कि लोडेड लेगा, आपको सर्च करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी जो भी आपके अकाउंट में है, यानी कि जो भी आपके फ़ोन में यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आकर आपको इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर डाटा का। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो तीन ऑप्शन है, तो सबसे यहाँ पे राइट साइड में आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्लियर कैच का ऑप्शन देखने को नीचे मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर कैच पे क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइज आपको ओके का बटन आ जाएगा, तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपको आ जाना है इंस्टाग्राम पर। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो भाई एक बार और आपको सेटिंग को ओपन करना होगा, यानी कि आपको फ़ोन की सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते आना है, यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर वही मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे फिर इंस्टाग्राम पर सर्च करके आ जाना है। और हाँ गाइज यहाँ पे इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद गाइज आज आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाटा यूसेज का ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली टैप करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करते हो गाइज, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जो भी यहाँ पे आपको नीचे तीन से चार ऑप्शन दिख रहे हैं इनेबल करने का, तो आपको अगर इस आपके अकाउंट में एक कोई भी एक ऑप्शन इनेबल नहीं है, ऑफ है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ गाइज आपके अकाउंट पर तभी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है, तो मैं इनेबल जैसे ही करूँगा हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। चलिए एक बार चेकआउट करते हैं, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपके यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपका इनेबल नहीं है तो आपके भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप लोग इसको ऑन कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए, उसके बाद आपको जाना इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करना है गाइज, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है, ऐसे डाउनलोड कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज फाइनली हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी स्टोरी हम देख सकते हैं, आप भी इस तरह से देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, छोटी सी जानकारी छोटी सी प्रोसेस कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।